सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन ब्रेन बस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत हर वीक की तरह जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि टैग टीवी की आप सपोर्ट कीजिए प्रोग्राम तो आप देखते हैं लाखों दर्शक हैं लेकिन वैसे भी फाइनेंशियल हेल्प की भी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है टैग टीवी में कितनी बार मैंने आपको बताया कि हम हाँ, कोई किसी भी कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड नहीं है ये सिर्फ इंडिपेंडेंट और ताहिर गोरा साहब का ही हिम्मत है कि इस टी को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है तो आप ज़रूर ताहिर गोरा साहब से कांटेक्ट करें टैग टी वी एट जी मेल डॉट टैग टी वी कैनडा ऐट जी मेल डॉट के ऊपर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी आप इनको ई मेल लिखते हो आज चौदह अगस्त है पंद्रह अगस्त ये दो दिन हैं जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की जकड़ से 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 15 अगस्त जो है वो हिंदुस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है सेवेंटी ये इस बार इंडिपेंडेंस डे होगा बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये जो पार्टीशन हुआ क्या ये ज़रूरी था अगर ज़रूरी था तो क्या उसमें लाखों जाने जो हैं वो जानी ज़रूरी थी क्या उसमें ये भी ज़रूरी था कि मिलियंस ऑफ लोग जो हैं हैं जी वो अपने घरों से उजाड़ दिए गए मैं हमेशा जब इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ तो मुझे हमेशा ये एक बहुत दुख होता है कि 1947 में जब ये पार्टीशन हुई तो उस वक्त जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि मिलियन से ज़्यादा लोगों का कत्ल कर दिया गया बच्चे लेडीज़ बूढ़े उस वक़्त कोई ये ख्याल नहीं था यानी कि यहाँ तक कि जो दोस्त दोस्त था उसने भी उस वक़्त दोस्ती नहीं रखी फिर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में गया ये एक मैं आज ज़रूर ताहिर साहब से कहूँगा कि इसके बारे में ज़रूर अपने दो मिनट के कमेंट दें एक बड़ी दुखदाई खबर है जी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें या तो पॉलिटिशियंस की बहुत बड़ी देन है या मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी चाल है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया ये तो मुझे समझ आया कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था और वो उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान की पार्टीशन हो जाए हालांकि एट वन टाइम महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जिन्ना जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए लेकिन क्या अगर जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो अगर हिंदुस्तान में सिचुएशन ठीक रहनी थी आई डोंट थिंक सो लेकिन पार्टीशन जो है इसके पीछे अंग्रेज़ों की कितनी चलाकी या अंग्रेजों का कितना ब्रेन है ये भी सोचने वाली बात है चलिए क्योंकि जो हुआ वो तो 1947 में हुआ आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इंडिपेंडेंस डे की ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं चाहूँगा कि ताहिर साहब ये 1947 के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बात करें डॉक्टर साहब आपने जो बातचीत शुरू की उसमें आपने कहा कि अंग्रेज़ के अंग्रेज चुंगल से दो मुल्क आज़ाद हुए हैं मैं उसको दो मुल्कों की आज़ादी नहीं मानता असल में एक ही मुल्क आज़ाद हुआ था एक पार्टीशन के नतीजा में वो कावड आउट हुआ था क्योंकि पाकिस्तान नाम का को कोई मुल्क कुर्रा अर्ज़ पे इस प्लानट पे कभी भी मौजूद नहीं था 47 सेवन से पहले ये ना कोई ये कौम थी ना कोई ऐसा मुल्क था में जो जो पाकिस्तान बना है उसमें बंगाली शामिल हुए उसमें पंजाबी शामिल हुए उसमें पख्तून पश्तून शामिल हुए महाजर चले गए सिंधी शामिल हुए और बलोचों को बंदूक के जेर असर पाकिस्तान की आर्मी ने अपने साथ में लाया ये तो रियलिटी है मुबारकबाद आपने भी दी जो पाकिस्तानी हैं उनको भी दी जो भारतीय हैं उनको भी दी मुबारकबाद देने में मुझे भी कोई हर्ज नहीं वो जो हुआ सो हुआ आ, लेकिन उस मुबारकबाद पर मैं थोड़ा सा तबसरा एक मिनट बात करूँगा उससे पहले मैं आपने एक और बात की कि ये समझ नहीं आई कि पार्टीशन जो हुई वो और जो इंडिपेंडेंस जो मिली भारत को और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पार्टीशन के बाद जो बनती है वो कैसे आई देखिए डॉक्टर साहब अब तक टन्स एंड टन्स बुक्स लिखी जा चुकी हैं बड़ी अच्छी वाली बुक्स हैं आप उन हिस्टोरिक बुक्स को भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये वाक्य कोई ऐसा नहीं है कि दस सदियाँ पहले का वाक्य हो या दस हज़ार साल का वाक़ हो कि हम रियलिटीज़ को माइथोलॉजी बना दें जिस तरह अंग्रेज़ों ने साजिश करके हिंदू जो जो रियलिटीज़ थी उनको माइथोलॉजी बना दिया ठीक है चूँकि भाई पता नहीं है हमें तो पता नहीं है तो किसने जीसस का वाक्य देखा था दो दो हजार साल का तो एनी हा तो वो ये ये वाक़ जो है ये बिल्कुल आ, सामने है ये जो पार्टीशन का वाक़ है अच्छा ये जो हिस्टोरिक बुक्स हैं ये तो चलिए ज़रा थोड़ी सी डेंस होती है ना कि ज़रा इनको समझना हर एक कब का काम नहीं होता आपसलमतों का लिटरेचर पढ़ लीजिए आप राजेंद्र सिंह की कहानियाँ पढ़ लीजिए आप अमृता प्रीतम का लिटरेचर पढ़ लीजिए आप कृष्ण चंद्र का लिटरेचर पढ़ लीजिए आप किसी भी उर्दू हिंदी पंजाबी के उस वक्त के जो लिखने वाले थे और इवन बंगाली भी उन सब का लिटरेचर पढ़ लीजिए बिल्कुल पिक्चर वाजे हो जाती है कि वो कैसे मैस हुआ था सीधा सा उसको मैं आधे जुमले में यूँ एनालाइज़ करूँगा डॉक्टर साहब वो अंग्रेज़ों का उस वक्त का अपना था रिक्वायरमेंट थी उन्होंने एक बफर स्टेट बनानी थी पाकिस्तान को ख़ुद वो दूसरी जंगीम से निकलने के बाद अब वो अपनी कलोनियल पावर को कायम नहीं रख सकते थे और फिर इसके साथ साथ भारत में इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी तो बहर वो भारत की इंडिपेंडेंस भारत तो कुछ दस हज़ार साल से भी ज्यादा की हिस्ट्री का कंट्री है ठीक है तो भारत को तो इंडिपेंडेंस मिली अब मैं जो ये पाकिस्तान बनता है ठीक है वो एक ब्लेंडर के नतीजे में बना जिसका ना फायदा इनफेक्ट पाकिस्तानियों को हुआ ना फायदा जाहिर है भारतीयों को हुआ जो पाकिस्तानी थे वो भी भारतीय ही थे देखिए ना आज हम कनाडा, अमेरिका में कहते हैं नेटिव कौन है। उस पूरे रीजन के नेटिव कौन है हिंदू है ना ठीक है चाहे मैं मुस्लिम फेथ का हूं तो मेरे नेटिव भी तो हिंदू ही है ना ठीक है अगर ने और जैसा कि यूनाइटेड नेशन ने कहा हुआ है कि जो नेटिव्स होते हैं उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट होता है तो जो नेटिव्स हैं चाहे वो पाकिस्तान की धरती हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे भूटान हो चाहे नेपाल हो उस सब के साथ खैर जी ये सब इंडिपेंडेंस की तो हम मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान देखिए बलंडर्स में दुनिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स के नतीजे में दुनिया में बहुत सारे मुल्क बनते हैं अभी हमने रिसेंटली कुछ चंद पंद्रह बीस साल पहले ये सारे का सारा मैसेविया में, जाक। में देखा ठीक है आ, कई मुल्क बने और दुनिया में बनते रहते हैं सोवियत यूनियन की आपने बात की रशिया पहले एक बलो हुआ हुआ करता था मगर वो कम्युनिज्म आइडियालॉजी ने एक सोवियत ब्लॉक बनाया सोवियत यूनियन बनाया सोवियत यूनियन जब टूटा मेरी आंखों के सामने टूटा मतलब आप तो मेरे से सीनियर हैं आपकी आंखों के सामने और बड़े बड़े वाकियात हुए हैं मैं वहाँ मौजूद था कजाकस्तान में जिस दिन ये थर्टी थर्टी फर्स्ट अगस्त को नाइनटीन नाइन्टी को जब उसने कहा बोरस जल्सन ने कि फेडरेश कौन चलर्स आज फेडरेशन खत्म हो गई और बड़ी अच्छी आपने बात की उससे पहले बाल्टिक रियासतों में लिथवानिया में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे वहां पे आ, कुछ कैज हुई थी आ, और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ ब्लड शेड नहीं हुआ यह थी कि आपके सामने हाँ ये ठीक है न, वो, वो हुआ ब्लड शेड हुआ चूंकि वह, वहां भी वही मसला आ गया ना धर्म का मसला आ गया बिल्कुल ठीक है कि वो एक तरफ तुर्की आ गया बीच में और तुर्की नस्ल लोग आ गए तो अब जो पाकिस्तानी बहन भाई है, मेरा भी पाकिस्तानी ओरिजिन से तल्लक है लेकिन मैं चूँकि पाकिस्तान का पासपोर्ट मैंने बाईस साल पहले छोड़ दिया था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक नेशनैलिटी है कनेडियन नेशनैलिटी मेरे पास भी वही है ठीक है हा, हाँ एक बैकग्राउंड के तौर पर जो हमारा ओरिजिन वहीं से है हम हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं उस समाकिन की कोई मुझे कहता है कि आपके पास पाकिस्तानी मैंने कहा भाई मैंने बाईस साल पहले नेशनैलिटी ऑफिशली छोड़ दी थी मेरे मैं कोई और नेशनलिटी रखूंगा ही नहीं लूंगा ही नहीं कैनेडियन नेशनलिटी के अलावा क्योंकि मुझे कैनेडा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अजीज़ है क्योंकि कैनेडियन नेशनलिटी मैंने तब ली जब मुझे होश आया ज़िंदगी में जब मैं अपने अपने फैसले से ली जब आप बॉन्ड होते हैं तो आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता कि आपने कहाँ पर बॉन्ड होना है तो एनी हाउ लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ लेकिन मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये खाली नारे ना लगाएं आप पहले तो रिकोगनाइज़ करें कि आपकी हेरिटेज क्या है नंबर वन नंबर टू आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके यहाँ बहुत बड़े मसाइल हैं जो मुहाजर गए थे वो रो रहे हैं सिंधी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की बात की थी जी एम सैद ने वो फिर उन्होंने कहा कि हमारी बाप दादा की तोबा हमें ह्यूमन राइट्स नहीं मिले हमें हमारे एथनिक राइट्स नहीं मिले फिर उसके साथ साथ जो बंगाली थे डॉक्टर साहब वो बनाने में बड़े पेश पेश थे सरफ़ज़ले हक एंड कंपनी वो उन्होंने सबसे पहले तोबा की अलग हुए कंट्री अलग हो गया बलोचों पे कब्जा किया था पश्तून भी खुश नहीं थे पाकिस्तान मैं ख़ुद पंजाबी हूँ भी पंजाबी हैं पाकिस्तान बुनियादी तौर पर पंजाबियों का ही मुल्क है ठीक है तो बहरहाल जिनका भी मुल्क है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार भैया दूसरों को राइट्स दे दें जो उनके कानूनी हक हैं और आप अपने लिए भी एक अच्छा समाज बनाएं फिर आपकी अच्छी आजादी होगी मैं आपको डबल मुबारक कहूंगा नहीं।, नहीं आपने ये डबल मुबारक तो दे दी नहीं तब कहूंगा जब <laughs> जब ये ये दुरुस्त हो जाएगा मैं अभी नहीं दे रहा नहीं नहीं मतलब फ्यूचर <laughs> फ्यूचर तो मुझे नजर नहीं आ नहीं नहीं रहा, नहीं रहा। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं खास करके जो फॉरन मिनिस्टर कुरैशी साहब हैं जी जी जिस किस्म के बयान वो दे रहे हैं और जिस किस्म से वो अरब वर्ल्ड को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं जिस किस्म से सऊदी अरेबिया के साथ जहाँ से उनको मैक्सिमम पैसे आज तक जिंदगी में मिले हैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान में रहा सऊदी अरेबिया सेकंड रहा पाक, ए, अमेरिका जी जी लेकिन उस उस कंट्री के साथ वो मतलब जिस किस्म की बातचीत कर रहे हैं जिस किस्म से उनको एक किस्म का मैं अगर वर्ड या यूज़ करूँगी गालियाँ निकालने की बात करते हाँ। हैं।, हैं तो वो आ, जो आपने एक विजुलाइज़ किया है बिल्कुल कि भाई पाकिस्तानियों कुछ ऐसा करो कुछ ऐसा सोचो अगर वो इसी किस्म के झगड़ों में पड़े रहेंगे इसी किस्म के झगड़े वो करते रहेंगे सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ नहीं सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस है कुवैत के ऊपर सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस है यू के ऊपर और कई कंट्रीज़ के ऊपर अमेरिका है इस मामले में तो अमेरिका भी उनके साथ मेरा मतलब जब इतने ज़बरदस्त आपको उनकी मदद चाहिए उनसे पैसा चाहिए उनसे ऑयल चाहिए और आप उनके अगेंस्ट हैं जी इस किस्म की बातचीत कर रहे हैं मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आप हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की जी. बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट वालों को ये नज़र नहीं आता कहीं ये तो नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट वालों की अब आंखें खुली हैं और जो आर्मी का चीफ है हैं जी वो कल वो मतलब सऊदी अरेबिया जा रहा है शायद उनको ये आ, मतलब आ, थोड़ा सा समझाने के लिए नई नई गलती हो गई हमारे फॉरन मिनिस्टर से आप कुछ इस किस्म की बातें कोई बीच वाली आपको पता लगी हो मुझे पता तो नहीं है लेकिन मैं डॉक्टर साहब गैस कर सकता हूँ कि कुछ ऐसा ही मामला है चूंकि इस्टेबलिशमेंट पाकिस्तान की एफोर्ड नहीं करती सऊदी अरब के साथ तल्लक़ ख़राब करना उसकी कई वजूहत हैं सर ये बात नहीं कि सऊदी अरब से कोई तेल आता है उधार पर या मदद के तौर पर या पैसे मिला करते थे अब जरा कम मिलते हैं ज़रा इसमें एक और पहले मैं बात करता हूँ इससे ये अंदाज़ा हुआ कि जब शाह महमूद क़्रैशी को ये अंदाज़ा हुआ कि अब हमें सऊदियों से कोई फ़ायदा नहीं है तो हम इनके लिए बुरा भला बोलें यानी तोता चश्मी जिसे कहते हैं ना जब तक फायदा है तो वो हमारे जो हैं वो रहनुमा हैं वो हमारे सब कुछ हैं अभी ये बड़े भाई हैं अभी ये साल डेढ़ साल की बात है जब कनाडा की सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेटिक लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया था स्टेटमेंट है ऑफिशियल स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया था कनाडा का साथ नहीं दिया था ये तो अभी साल डेढ़ साल पुरानी बात है तो ये सारी जो सिचुएशन है इसमें अब ये है कि मेरा मुझे यूँ लगता है डॉक्टर साहब अब मैं गैस बताने लगा शाह महमूद कुरैशी से ब्लंडर हुआ है अभी भी पाकिस्तान एफोर्ड नहीं करता सऊदियों से तल्लक ख़राब करना इसलिए कि अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का तल्लक है उसके बीच में सऊदी है ये ये एक बड़ा अहम नुकता है अब अमेरिकन पाकिस्तान को डायरेक्ट बहुत कम डील करते हैं अमेरिकन वाया सऊदी पाकिस्तान को डील करते हैं जब से अमेरिकन का ट्रस्ट खत्म हुआ हुआ है right. वो मत, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हैं उनको भी सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसियां बात करती हैं सऊदी को पास पैसा है अच्छा उनकी बात भी सुनी जाती है अब इनका ये ख्याल है कि हम कश्मीर, ये मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी ने पर्सनल पलेंडर किया है ये बहुत जज्बाती आदमी है इसका ये ख्याल था कि कश्मीर के इशू पर हम और ये कश्मीर का इशू भी हुआ इंटरेस्टिंग बात ये कोई और बात नहीं हुई चूंकि सऊदी में आपको डॉक्टर साहब कई बार कई शोज में आपके साथ भी जी राय शेयर कर चुका हूँ वो हमारी इंफॉमेसन भी है और गैस भी है दोनों <laughs> सऊदी बार बार कह रहे थे इनसे कि भाई आप ये कश्मीर कश्मीर क्या लगाई हुई है ये रेटर बंद करो इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ आपको भी पता है हमें भी पता है आप खाम -खाम हम हमसे पैसा लेके इधर जाया करते हो यही पैसा कहीं और लगा लो अब ये चूँकि बार बार इनके तोते की राटे की है कि नहीं नहीं हमने कश्मीर 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 उन्होंने कहा तुम कश्मीर ले ही नहीं सकते अब तो वैसे ही भूल जाओ तो इस मसला पर शाह महमूद कुरैशी ने जो अब बचपन से ट्रेनिंग इसकी हुई हुई है ना कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है तो डफर आदमी ठीक है उसने फिर ये सोचा कि मैं ये ज़रा बयान दूँ अच्छा फिर ऊपर से डॉक्टर साहब ये ज़रा इनको पिछले कुछ अरसे से चल रही है कि अब तुर्की हमारे साथ है अच्छा तुर्की बहुत कंजूस मुल्क है वो पाकिस्तान को इस तरह मदद वदद नहीं देने वाला वो तुर्की तो बातें करने वाला मुल्क है ये सऊदी अरब की जैसा भी रहा है उससे कई अमेरिक्स अपॉइंटमेंट्स नहीं है मुझे भी लेकिन सऊदी अरब जब अमदाद करता है या तो दिल खोल के करता है तुर्की वर्की का ये मसला नहीं है तुर्की तो अपने पैसे जो होते हैं ना वो वो मतलब जोर बाजू निकालते हैं ठीक अब इनका ये ख्याल था कि तुर्की हमारे साथ ऑन बोर्ड है को मलाइिया के वो पचानवे साल महातिर मोहम्मद ने कह दी बात ठीक है ना तो वो पता नहीं हमारे कितना बड़ा उचका हो जाएगा फिर इन्होंने क्वालमपुर कैंप को ज्वाइन करने की कोशिश की तब सऊदियों ने इनको डांटा कि भाई अगर आपने ओ के खिलाफ जाना है तो फिर कुछ बात ऐसी की होगी पैसे पैसे वैसे वापस हो तो फिर इमरान खान वन ऑफ द की स्पीकर से ही गो अब इन्होंने सोचा शाम इनको रेश हमें मिल तो कुछ रहा नहीं कोई ख़ास तेल इनको नहीं मिल रहा था उधार पे तो इन्होंने सोचा कि हम जरा ना चूंकि ये तोता चश्म तो फौरन हो जाते हैं ना कि वो वो अब मैं कश्मीरी ये पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के लिए कहता हूँ कि ये भारत के कश्मीरी वो तो सच्चे कश्मीरी है कि कश्मीरी भाई किसके खाया पिया और किसके और किसके किस किस <laughs> तो इन्होंने ये सोचा कि खा भी तो नहीं है सऊदी अरब से अब मजीद कोई खाना पीना नहीं मिल रहा तो चलो यार ज़रा इनको आंखें दिखाएँ ये बात तो देखिए ये ठीक है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब ये जो चीफ वहाँ पर सऊदी अरेबिया जी जी बड़े हिंदुस्तान ये ये जितना भी डैमेज किया कुरेशी ने हाँ वो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे करेंगे बिल्कुल हाँ जी और उनके साथ सीधे रिलेशनशिप को फिर ठीक ढंग से डेवलप करेंगे आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इनके ऊपर काफ़ी कंडीशन लगा सकता है कि आप अगर ये ये करोगे तो हम आपके साथ अब दोस्ती करेंगे नहीं तो जैसे रिलेशन चल रहे हैं वैसे चलेंगे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है हाँ जी पिछले चौबीस घंटे में कि यू ए थर्ड कंट्री बन गया जिसने इजिप्ट और जॉर्डन के बाद जिसने इसराइल के साथ फुल फ्लाइड डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बना लिए और जिसको सिर्फ सबसे ज़्यादा किसने कंडेम uh, किया तुर्की और ईरान ने ईरान तो चलो आई कैन वेल है कि ईरान ये कहता है कि मैंने इसराइल नाम की कोई चीज़ नहीं रहने देनी और टर्की मैं, मैं टर्की के बारे में ना बड़ा मैंने पढ़ने की कोशिश की उसकी इकॉनमी के बारे में पढ़ने की कोशिश की मुझे तो लगता नहीं कि टर्की जो है वो इतना पावरफुल कभी बन सकेगा जैसे आज से दो चार सौ आठ सौ चार साल था जी। कि वो इतना पावरफुल बन सकेगा कि वो अपनी होंद जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर मतलब डाल सके अब ये पाकिस्तान जो है इसको ये नज़र नहीं आता कि इतने बड़े एक सऊदी अरबिया एक यू ए जी मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान का इसके ऊपर बयान नहीं आया अभी तक पाकिस्तान अभी तो वो एक एक बलंडर शाह <laughs> का जो हो गया उस पर ही काबू पा ले ये बात वाकई मुझे भी लगती है कि जो कबर बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए इस वीकेंड पे होंगे सऊदी अरब में वो यकीनी तौर पर वो तल्लक मैंट करने की रिपेयर करने की कोशिश रहे हैं लेकिन तल्लक वो नहीं हो सकते चूंकि पाकिस्तान आर्मी के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं चूंकि कर उन्होंने हायर किया हुआ है चूंकि पाकिस्तान आर्मी के अलावा अभी तो चले कोविड का ज़माना है डॉक्टर साहब पाकिस्तान का बहुत ज्यादा ज़र मुबादला जो है जो फॉरेन जो मनी है सऊदी अरब से जो पाकिस्तान की लेबर फोर्स है हाँ। वो लाती है ठीक है वो आगे रस्ते बंद हो जाएंगे मुकमल तौर पर अगर ये इस तरह के काम करे जो कि सऊदी अरब कोई को पाकिस्तान की इतनी परवाह नहीं है अगर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को उस बात का पता है चूंकि अब जो रीजन में डॉक्टर साहब तब्दीलियाँ तो आ रही हैं अब पाकिस्तान ईरान के साथ प्यार कीपिंग एंड डालेगा जो कि अन नेचुरल है पाकिस्तान के लिए वैसे ही क्या आपने सत्तर साल शादी करके रखी सऊदी अरब के साथ अब आप एकदम से ईरान के पास जाएंगे तो ईरान से आपको मिलना भी कुछ नहीं ये भी एक मजे की बात है ईरान तो देखिए खुद इस वक्त बहुत मसाला फाइनेंशियली तबाह हो चुका हुआ दैट्स नंबर वन नंबर टू अगर सऊदी अरेबिया के साथ बाजवा साहब जाकर रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं तो ईरान नाम की तो कोई चीज़ वहाँ रहनी ही नहीं क्योंकि सऊदी अरेबिया इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन अपने आप को ईरान तो समझता है जी और ईरान भी सऊदी अरेबिया को ही अपना दुश्मन समझता है जब एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन में हम देखते हैं कि दो कंट्रीज एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं तो फिर जो कंट्री हेल्प एक्सपेक्ट करता है देखिए सऊदी अरेबिया अकेला नहीं जॉब्स देता UAE भी जॉब्स देता है और UAE और सऊदी अरेबिया तकरीबन एक है Absolutely। हाँ जी थिंकिंग बेबी या और अब ये आपका जो UAE ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए हैं वो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया के कहने पर किए हैं डेफिनेटली सर इसमें कोई शक वाली बात नहीं हाँ उन्होंने कहा पहले तुम कर लो हाँ।, हाँ उसके बाद हम वो आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे अभी कब जब यूएई आ गया तो वो सऊदी अरेबिया आ गया बात तो एक ही है डॉक्टर साहब बात यह है कि मिडल ईस्ट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं चाहे जॉर्डन हो चाहे इजिप्ट हो चाहे यूएई हो चाहे ओमान हो चूँकि उमान हाँ। शारजा ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं ये तो खैर यू का हिस्सा ही है सिर्फ एक क़तर का मामला है कतर की भी स्टेटमेंट किसी वक्त आ जाएगी कतर बेशक उनके अपने इंटरनल कॉन्फ्रेंस की वजह से शायद ओपनली अभी ना कहे लेकिन कतर इसराइल के ख़िलाफ तो नहीं जा सकता या सऊदी अरब के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सके चूँकि यू ए भी अब ऑन बोर्ड है यू ए और ये सब पहले भी इसराइल के साथ इनके अच्छे ही रिलेशन थे अब ये ओपन कर रहे हैं कि भाई ये इनफ इज़ इनफ अब ये ओपन कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में ईरान को तो जाहिर है तकलीफ़ होना नेचुरल है चूँकि उसने सारी ज़िंदगी एंटी इसराइल ही अब तक काम किया तुर्की के लिए मुश्किल होगा तुर्की का ये जो तैयब दान है ये मुल्क को तबाही के दहाने पर धीरे धीरे लेके जा रहा है चूँकि तुर्की के सबसे अच्छे रिलेशनशिप इसराइल के साथ होते थे टूरिज़म से ले के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितनी तुर्की की होती थी इसराइल के साथ किसी की नहीं होती थी अब तुर्की कई सालों से ये तयबर दुगान की स्टोपिलिटी की वजह से इसराइल के साथ तल्लक़ा ख़राब कर अब इसराइल के साथ तल्लक़ ख़राब करना ही तुर्की का काम नहीं है वो उसने ये जो अमीर अरब मुल्क हैं उनके साथ भी तल्लक़ खराब कर लिए हुए हैं सऊदी अरब यू अच्छा इस सारी सूरत हाल में तुर्की की पूरे दिल से चीन के साथ भी नहीं बनती ये भी एक इंटरेस्टिंग है चीन के मुसलमानों के हवाले से तुर्की ही सबसे ज्यादा बोलता है हर ये एक ऐसी बात है जिसको मैं कभी कभी क्रेडिट देता हूँ तो है बोलने को, वाला कोई तो है लेकिन वो उनकी सिर्फ इस मसले पर नहीं उनके चीन के साथ ट्रेड के बहुत सारे इशोज़ हैं ट्रेड इम्बेलेंस के और वो सारे इशोज़ हैं वो उनके साथ तुर्की यूरोपियन यूनियन में आना चाहता था अब हरकतों की वजह से यूरोपियन यूनियन में आ नहीं सकेगा मैं आपको दावे से कहता हूँ डॉक्टर साहब तुर्की में इस गवर्नमेंट के खिलाफ तुर्कियों की बहुत मुखालफत है मगर ये चूंकि एक डिक्टेटर के तौर पर वहाँ बैठा हुआ है ये एक डिक्टेटरशिप इसकी को रहेगी नहीं बहुत लंबे अरसे अरस वैसे तो देखिए दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी डिक्टेटरशिप्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं कभी ना कभी लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ख़तरा है टर्की का वो ये है कि ये कंट्री में डिकटेटर चाहे बन जाए लेकिन जिस ढंग से ये इस्लामाइजेशन उसकी है जी वो बहुत खतरनाक है और जिस ढंग से वो उस कंट्री को एक मैं समझता हूँ कि डिफरेंट आइडियालॉजी uh, मतलब जिसको हम एक्सट्रीम आइडियालॉजी कहते हैं हाँ. उसकी तरफ लेके जा रहा है जबकि टर्की वाजी ओनली एक नॉन डेमोक्रेसी इन द इन द मुस्लिम वर्ल्ड कि यह एक डेमोक्रेसी है इसको देखो सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं था मॉडर्न <coughs> भी था न, नाम लगा डेमोक्रेसी तो इसमें भी कायमी रखी हुई है हुँ. मगर इसने पूरे अपने कंट्रोल में रखी हुई है लेकिन बहरहाल तर्की टर्की जो कुछ भी डॉक्टर सब कर रहा है उसका अल्टीमेटली नुकसान तो टर्की को ही होगा मतलब मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हम आगते करें या ये जो पपिट पॉलिटिशियंस हैं ये हम आगते करें या टर्की की डिक्टेटरशिप ये हम आगते करें इनको ये नहीं पता चलता कि इसका नुकसान अल्टीमेटली उनके अपनी नेशनस को उनके अपने मुल्कों को होगा इस सारे खेल तमाशे में मुझे यही लग रहा है कि तलक्रात और ख़राब होंगे चूंकि अब पाकिस्तान भी जो है ना एक बंद गली पर पहुंचा हुआ है राइट right. वो ये तो कह नहीं सकता जी चलिए हम कश्मीर के मसले पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो वो तो उनकी रोटी रोजी, उन रोजी उनका, अच्छा, उनका, उनका उनका मतलब एक स्टंट है पॉलिटिकल स्टंट थी? है वो अच्छा पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छा, के साथ ना डॉक्टर साहब ये होता है कि एक जब कोई हम में से झूठ बोले ना सारी जिंदगी एक मसले पे तो फिर उसको भूल जाता है कि ये झूठ है फिर लगता है यही सच है ये भी ये भी एक नेचुरल फिनमिना होता है लाइफ में ये साइकोलॉजी का मसला है जब मतलब साठ सत्तर साल एक ही बात का झूठ बोला अब नई जनरेशन आ चुकी हुई हैं राइट जिनकी उम्र कोई मतलब 20 साल से 60 साल 70 साल की है तो वो सारे के सारे अब यही समझ रहे हैं कि ये सच है तो उसका नतीजा अब यही है कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इसका हासिल असूल है कुछ नहीं होना नुकसान ही नुकसान नहीं नुकसान तो सबसे पहले ये हो चुका है कि यूरोपियन यूनियन का मेम्बर ये बनने वाला था

जिस ढंग से इसने पकड़ बना रखी है हाँ। हाँ। जी जुडिशरी में आर्मी में और डिफरेंट डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स में इसने कंप्लीट लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमें सबक सीखना चाहिए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको इस ये सबक सीखना चाहिए कि जो कंट्री है कितनी तरक्की कर रहा था आज वो कंट्री में टूरिज़्म जो था सबसे बेस्ट माना जाता था टर्की का आज लोग टर्की में जाने से डरते हैं है जी वो कहते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना हमने वहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा तो जब ये इस किस्म का एक फियर क्रिएट हो जाता ना, है ना हाँ जी तो वो डेफिनेटली कंट्री को बहुत नुकसान पहुँचाता दैट्स नंबर वन नंबर टू अब बार बार इसका जो अफेक्ट है वो हम आएंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर बिल्कुल ठीक इसका अफेक्ट जो यू का जो रिलेशनशिप हुआ है इसराइल के साथ उसका अफेक्ट तो हिंदुस्तान तो ऑलरेडी इसराइल के बहुत नज़दीक पहुँच चुका हुआ है जी और इस तरीके से यू भी हिंदुस्तान के बहुत नज़दीक हो जाएगा हाँ जी आगे भी है और बहुत, बहुत, बहुत अच्छे है जी अच्छे क्योंकि सऊदी अरेबिया की तो इन्वेस्टमेंट जो है मैक्सिमम इंडिया में लग रही है जी तो ये इसका जो रिजल्ट है अब वो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम के ऊपर हिंदुस्तान का रिजल्ट और अरब कंट्रीज़ का आपस में मेल मिलाप हैं जी और उसमें हिंदुस्तान की लिटिल बिट जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईरान जी हाँ जी वो ख़त्म होगा या नहीं होगा नहीं वो ख़त्म हो चुका होगा इनफैक्ट अब अभी दिखावे के हद तक दिखाना होता है जब वो निकले हैं ये चाबहार प्रोजेक्ट से तो वो तो खबर तो यही थी कि भाई हमने ईरान की तरफ से कि हमने उनको निकाल निकाल लेकिन वो भारत को खुद अंदाजा था कि अब ये फिजिबल नहीं रहा ठीक है उसके नुकसान तो थे कुछ लेकिन उनको बहुत क्लियर अंदाजा था कि भाई पलड़ा देखना है कि एक एक तरफ ईरान है दूसरी तरफ अरब कंट्रीज है हुँ। अमेरिका हुँ। है तो कौन सा पलड़ा पारी है कहां से इन्वेस्टमेंट से आ सकती है एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट कहां से आ सकती है दूसरा प्रिडिक्टेबिलिटी भी है ना इधर से तो ईरान की तरफ से कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है राइट right. उनका अपना कोई हाल नहीं उनको उनकी प्रडिक्टिबिलिटी उनके अपने मुल्क के लिए नहीं है तो इंडिया के लिए तो दूर की बात है तो वो अभी इंडिया ईरान के बारे में कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं देगा क्योंकि इंडिया थोड़ा सा मोहतात है लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है स्ट्रेटिजिकली वो इंडिया मुकम्मल तौर पर उस खेल तमाशे से बाहर बाहर आ चुका हुआ है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना लेकिन अब इसका इफेक्ट जो है हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का इस सारी सिचुएशन में अरब कंट्रीज की सिचुएशन में क्रेशी के बयानों की सिचुएशन में उसका फायदा तो हिंदुस्तान को जरूर है डेफिनेटली है डायरेक्ट भी भी और इनडायरेक्ट लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर ये जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की इसका रोल जो होगा वो क्या थ्रू इमरान होगा या आप सोचते हैं कि कोई ऐसा लीडर और आ सकता है जब वो कहेंगे नहीं इमरान साहब आपने बहुत काम कर दिया लेट्स मेरा ख्याल लीडर इमरान <coughs> मुश्किल से ही कोई ये पूरा अपना टन ओर निकाल पाएगा अगर निकाल ले तो बड़ी बात होगी चेंजेस चेंज आएंगी चूंकि इमरान ने मायूस आवाम को भी किया है और इस्टेब्लिशमेंट को भी किया है इनफैक्ट ये बात वो तो ओपनली कहने वाली नहीं होती लेकिन वो अभी तक ये जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान बेदीद नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट का एक नुकता नज़र होता था कि भाई हमारे ताबेदार हों जैसे वो उनकी ये होता था उनको भट्टो फैमिली पर कभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ था वो मजबूरन उनको इकतदार देते थे जब अवाम का प्रेशर पर भी नहीं हुआ और अपने नहीं लेकिन नवाज शरीफ पर उन्हें पहली गवर्नमेंट में था ट्रस्ट कि ये, तो ये तीन चार बार बार है अच्छा लेकिन दूसरी गवर्नमेंट में नवाज शरीफ के भाई शबाज़ शरीफ वगैरह ट्रस्ट देते थे कि जी मियाँ साहब नु समझा देंगे ठीक है नहीं। नहीं। वो चुके ऑन बोर्ड थे तो मिया साहब को समझ नहीं आती थी मियाँ साहब को समझ आ चुकी थी कि की बातें मानने का कोई फायदा वायदा नहीं है ये हमें ना पाकिस्तान को और मुसीबत में डालेंगे तो इसीलिए मिया साहब बाहर बैठे हुए शबाज शरीफ साहब अंदर बैठे हुए ठीक है ये ये बड़ा वाज फर्क है ठीक तो वो इस सारे फर्क में इमरान खान सबके साथ बदतमीजी करता है लेकिन के साथ नहीं कर रहा ने बात कर रही है तो उसको अंदर बुला के कह भी दिया होगा कि भाई ये आपने क्या क्या, क्या, क्या कहा सऊदियों को कह देंगे यार जाके सॉरी सऊदी कहेंगे आपकी सॉरी तो ठीक है लेकिन सरकम चेंज हो चुके हैं इस पूरे रीजन में अब आपकी सॉरी से बात नहीं बनेगी आपकी सॉरी से हम वो पुराने नहीं आ सकेंगे आपको चेंज होना है हम नहीं चेंज हो सकते ये बात पक्की है सऊदीज का यही है होगा कि भाई वो फिर पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट मैं आपको दावे से कहता हूँ यही कहेंगे कि जनाब हमें भी चेंज होने में कोई वक्त तो लगेगा ना हम रातों रात चेंज तो नहीं होंगे आवाम को भी दिखाना है मुंह तो हमें कोई एग्जिट दे तो एग्जिट है नहीं बड़ा मुश्किल है कि इसमें से कैसे एग्जिट हो या तो पाकिस्तान आर्मी वाकई अपना ये कश्मीर का ये जो मंत्रा है इससे बाहर आ जाए तो फिर पाकिस्तान आर्मी को जूते पाकिस्तानी आम से बहुत पड़ेंगे कि भाई बहत्तर साल में हमें बेचा क्या है और सौदा क्या किया है वो तो बड़ा मुश्किल है मेरा मुझे नहीं लगता नहीं। कि वो कश्मीर के इशू को अब अब एक नई देखिए पॉपुलैरिटी में जहाँ इमरान खान एज ए क्रिकेटर बहुत पॉपुलर था जी, पाकिस्तान जी, में वहाँ से मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो जावेद मिया डैड जी थे बाकी तो ठीक है, हाँ, हाँ, है।, मतलब हाँ, है। सारी दुनिया जानती है कि दाऊद इब्राहिम के साथ है जी वो है, है। है, है। है। है, रिश्ता है बड़ा पक्का आ, और जो दाऊद को जानते हैं वो सब जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन लेकिन उसका ये कहना कि अब मैं इमरान खान को चैलेंज करूंगा ये 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 फुकरा पाना है या वैसे कोई इसमें सीरियसनेस नहीं इसमें ये एक बहुत बड़ा चौक है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अगर हिस्ट्री आप उठाएं तो विजनरी नाम हुआ करते थे हुसैन शहीद सरवर्दी मतलब आप उनसे एग्री करें डिसएग्री करें विजनरी नाम हुआ करते थे इवन डिक्टेटर भी जो होते थे ना वो भी कुछ थोड़े बहुत विजनरी होते थे अब होते होते इमरान खान तक आई तो वो हमारी हंसी नहीं रुकती थी कि भाई पाकिस्तान बेचारे का ये हाल होना है अब इमरान खान के बाद जवेद मियाँ दाद हम इमरान खान को नैला कहते हैं तो अब वो सारे नैले जो है ना शुआबा फरीदी बल्कि ये दहले हैं और ये वो अच्छा अब इमरान मुझे न जब से जवेद मियाँ ने मियाँ दाद ने स्टेटमेंट दी ना मैं देख रहा था वीडियो जो उसने अपने यूट्यूब पर लगाया तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी मैंने कहा कि पाकिस्तान बेचारे का ये हाल भी होना था कि जवेद मियाँ दाद अपनी लीडरशिप उस पर इम्पोज करने की बात कर

और जिसको कोई इंटरनेशनल सिचुएशन का जरा भी बताना हो अब मुझे लग रहा है कि इमरान को तो पता है इसके निस्बत <laughs> रेफरेंस ने, बन जाता है ना ने, वो न्यूटन का थ्योरी ऑफ रियलिटी सॉरी आइंस्टाइन की आ जाती थ्योरी ऑफ आई कि या। यार ये क्यों रहा है <laughs> इमरान खान में तो चलो एक थी कि वो सारी दुनिया घुमा हुआ था बहुत बड़ी जो पार्टी देखिए आज इमरान की कदर बन गई है हमारी नजर में भी क्योंकि जब दादा आ इन ना रेफरेंस पॉइंट चलिए आने वाले टाइम पर देखेंगे कि इस सब का रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन पर क्या होगा लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है पिछले कुछ दिनों में लगातार जो समझा जाता है कि बाइडेन साहब डेमोक्रेटिक पार्टी के आ, लीडर हैं और वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ट्रंप के अगेंस्ट चार पाँच हफ्ते की मेहनत के बाद उन्होंने कमला हैरिस जिसका डिसेंट जिसको आप कह सकते हैं कि पिछोकड़ जो है वो हिंदुस्तान के साथ रिलेटेड है उनकी माँ जो थी वो चेन्नई थी, थी चेन्नई से थी और उनके जो फादर थे वो जमैका से थे और उनकी माँ भी बहुत पढ़ी लिखी थी और ये भी ऑफ कोर्स वकील रही हैं अटॉर्नी जनरल रही हैं और बीस में कमला हैरिस ने शादी की वो एडवोकेट हैं कैलिफोर्निया में और वो जू हैं अब ये यहाँ पर मैं बात इसलिए की है कि हिंदुस्तानी बड़े खुश हैं कि हमारे एक इलाके की लेडी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनी है जब मैं उसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में गया तो थोड़ा सा दुख हुआ मैंने उसको पूरी तरह स्टडी नहीं कर सका लेकिन ताहिर साहब को उनके बारे में काफ़ी पता है कि जब पाकिस्तान का इशू होता है कश्मीर के ऊपर तो उनकी जो स्टेटमेंटें हैं हिस्ट्री में मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंटें सेनेट में दी या बाहर दी उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर सपोर्ट किया नंबर वन दूसरा जब थ्री सेवेंटी को रिमूव किया तब भी उन्होंने हिंदुस्तान को काफ़ी भला कहा कहाँ तक जो इंडियंस हैं उनको अगर ये सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी यू की तो वो कहाँ तक कमला हैरिस के साथ स्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे ये तो वो टेन तीन नवंबर को बताएंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी बैकग्राउंड है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वो हिंदुस्तान के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके कई कह, कहीं ना कहीं उन्होंने बयान जो हैं वो काफी गेस्ट दी है वो काफ़ी अगेंस्ट दिए हैं तो आपने इस ज़्यादा स्टडी की हुई है दरअसल देखिए जो जो कमाला आ, हारिस हैं बुनियादी तौर पर अब वो ज़्यादा क्लेम कर रही हैं कि मेरा साउथ एशियन ओरिजिन है इससे पहले ये क्लेम कम किया करती थी पहले तो कहती थी मैं ब्लैक हाँ उन्होंने उनका ज़्यादा जो जोर जो जो रहा वो वो अपनी ब्लैक आइडेंटिटी पर रहा सात साल की गालबन थी जब इनके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई इनकी जो मदर हैं वो इधर सर्जन भी रही हैं मॉन्ट्रियल में और बचपन इन्होंने या लड़कपन इन्होंने मॉन्ट्रियल में पढ़ा है कनाडा में फिर इनकी मदर ये अपनी मदर की रिस्पेक्ट हमेशा करती रही वो नेचुरल भी है मदर मदर होती है पाला ही दूसरा पाला भी उन्होंने था अच्छा लेकिन वो अब अपनी तमिल बैकग्राउंड को करने की बजाय अमेरिका में ये सियासत में ये कार्ड खेलती थी ब्लैक का ब्लैक का ब्लैक का तो इनके फादर ने एक दफ़ा कहा उन्होंने कहा कि ये ड्रामे करती है वो स्टेटमेंट ऑफिशियली तो मौजूद है इनके फादर की स्टेटमेंट उसने उन, उन्होंने कहा कि ये

तो इस वक्त ब्लैक लाइफ मैटर्स के ये हैं चैंपियन है ठीक है, है तो सियासतदान इसी तरह की होती है सिर्फ मैं ट्रूडो साहब को या कमल हेरस को मैं टारगेट नहीं कर रहा कंजर्वेटिव के भी आप भी। इवन आप ट्रंप साहब की भी स्टेटमेंट उठा लीजिए वो अब तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि इस गिवन सिचुएशन में ट्रंप साहब की सब हिपोक्रेसीज के बावजूद कौन सी शख्सियत सूट करती है सिर्फ यही देखना होता है अगर तो हमें इनके आइडियल देखने में लग पड़े तो बात नहीं बनेगी अच्छा चलिए ये तो वोटर्स तो देखेंगे बात हो रही है कमाला कम है इनकी अब इनकी जो हिस्ट्री है ये बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट की है और मैं ये दावे से कहता हूँ इनके लिए इनके लिए एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी इनके हाथ आई है क्योंकि फ्रेंकली अभी चंद दिन पहले सुजन राइस का ज्यादा चांस था राइट वो जो बाइडन की आ, उनको टिकट मिलेगी इनका चांस रिलेटिवली कम था इन इनको बहुत बड़ी मैं समझता तो हूँ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी है कि अगर आइंदा के इलेक्शन में कोई बलेंडर हो गया तो ये प्रेसिडेंट भी बन सकती है मैं ये भी आपको चूँकि जो बाइडन साहब की जो अपनी जहनी हालत है वो मतलब वो बहुत ही वो जिसको ट्रंप साहब कहते हैं स्लीपी जो बाइडन वो हो सकता है रजाइन ही दे किसी मौका पर आके कि मेरी मेरी सेहत ठीक नहीं है अगर ये ब्लंडर हो गया लेकिन बहरहाल कमाल हारस जो जो है इनके बारे में जो ट्रम्प ने एक बात की है वो वैसे ठीक बात है उन्होंने फोनी वो कहते हैं स्लीपी जो बाइडन एंड फोनी कमाल हारस नहीं वो देखिए वो तो पॉलिटिशियन में एक दूसरे कहते हैं लेकिन 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 मेरा उसकी मतलब है कमाला का कश्मीर के बारे में वो बात देखिए कश्मीर के बारे में मेरे लिए ना डॉक्टर साहब कश्मीर के बारे में कोई अमेरिकन पॉलिटिशियन कोई बात करे फ्रेंकली आज के भारत के कॉन्टेक्स में मुझे वो मैटर बार नहीं करती फ्रेंकली ठीक है चूंकि भारत की इस सरकार ने यह तय कर लिया कि हमने को अमेरिका से सर्टिफिकेट नहीं लेना चूंकि अमेरिका की स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस की और सैनट की अभी कोई पिछले साल ये न, न, दो बार इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी शब्द बनाया नो वन केयर्ड अबाउट सदर ट्रंप के राइट हैंड आदमी हैं कोई पता नहीं है पहले वो सदर ट्रम्प के बहुत खिलाफ होते थे लिडसग्राहम फिर वो सदर ट्रंप के राइट हैंड बन गए कुछ अरसे से उनकी ख़बर नहीं आ रही मुझे है कि वो अंदर से बदल ना रहे हो उन्होंने और बड़े जब राइट हैंड थे तो उन्होंने जयशंकर जी को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के हवाले से कोई बात की तो जयशंकर ने कहा कि सर आप अपनी डेमोक्रेसी की फिक्र करें uh, हम अपने उस सर भी नहीं कहा उन्होंने उनका सैनिटर उनका सर कहना बनता नहीं है ना उस सैनिटर को सर कहना चाहिए ना uh, फॉर मिनिस्टर है एक कंट्री uh, का ठीक है तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सैनिटर यू बेटर टेक केयर ऑफ योर ओन डेमोक्रेसी अब ये ये भारत का ये बड़ा क्लियर स्टैंड सर सदर ट्रंप ने कहा जी का मीडिएशन करेंगे ये उन्होंने कहा कि सर भी नहीं कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट ठीक है आप जो बातें कर रहे हैं वो आपकी अपनी बातें हैं तो मैं नहीं समझता डॉक्टर डॉक्टर साहब कि इनकी कमला हैरिस की कोई बात इवन ये प्रेसिडेंट भी हो जाए वाइस प्रेसिडेंट भी हो जाए कश्मीर पे भारत पर कोई असर डालेगी ये मैं दावे से कह रहा हूँ चूंकि सदर ट्रंप की बात ने असर नहीं डाला ए, एक प्रेसिडेंट डा आपके सामने है उनका राइट हैंड आदमी लेंड से ग्राम का असर नहीं डाला वो कांग्रेस और सेनेट में हेयरिंग हो रही है उन्होंने कहा हुयर्स अबाउट इट इसराइल सर एक आ, और मसाल है इसराइल के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे तल्लक हैं ओबामा की रजीम में हेनरी कसेंजर की रजीम में वट एवर उनके खिलाफ कई स्टेटमेंट्स आई स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा कि इसराइल को यह करना चाहिए वो करना चाहिए इसराइल ने कहा माइंड योर ओन बिजनेस तो भारत ने ये जो पॉलिसी बना ली तो मैं इसमें यही डॉक्टर साहब कहूंगा अगर ये जो मर्ज़ी कहती फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम के ऊपर हम देखेंगे कि कमला हैरिस के बारे में और कितने बयान सामने आएंगे एंटी इंडियन अगर ये जो बयान उन्होंने दिए हैं क्या उसका कोई असर पड़ेगा इंडियन वोटर्स के ऊपर या नहीं ये देखने वाली बात होगी इन दीन वायल एक बार फिर जाते जाते मैं आपको पाकिस्तानी भाई बहनों को और हिंदुस्तान भाई बहनों को सेवेंटी थर्ड इंडिपेंडेंस बर्थडे पर बधाई देना चाहता हूँ Thank you for watching and wish you all the best. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.